इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्स फिरोमोन्स के अलावा एग्रीगेशन फिरोमोन्स जो हैं वो इंसेक्ट्स के ऊपर क्या इफेक्ट करते एग्रीगेशन फिरोमोन्स जो हैं नॉर्मली दे आर प्रोड्यूस्ड टू अट्रैक्ट इंडिविजुअल्स टू फीडिंग साइट इसकी एग्ज़ाम्पल सर्टन देखते हैं बार्क बीटल्स जो कि पाइन ट्री पे मौजूद हैं ये नॉर्मली एग्रीगेट करती हैं पाइन ट्रीज के ऊपर ड्यूरिंग आ अटैक ऑन ट्री जब इन्होंने ट्री के ऊपर अटैक करना होता है तो सारी की सारी फिर जो पाइन इसके अंदर बार्क बीटल्स हैं इस एग्रीगेटिंग फिरमोन्स के अट्रैक्शन से इकट्ठे होकर ट्री को ये अटैक करेंगे अब मेल जो हैं दे प्रोड्यूस आल्सो फिरोमोन्स जिसको हम सेक्स अट्रैक्टेंट्स भी कह देते हैं अब ये जो सेक्स अट्रैक्टेंट्स हैं समाइम्स दे आर आल्सो यूज एज एग्रीगेशन फिरामोन्स बिकॉज क्यों इनको हम एग्रीशन फिरामोन कहेंगे दे टिपिकली रिजल्ट इन दराइवल ऑफ बोथ सेक्सेस एट अकॉलिंग साइट कि एक अटैक करना है इनसेक्ट्स ने तो इन हारमोन की या इन फिरमोन की प्रोडक्शन से दोनों कैश जो हैं उसकी मेल और फीमेल दे विल भी अट्रैक्टिड एंड शो एग्रीगेशन बिहेवियर अब एग्रीगेशन पिरोम जो हैं दे हैव बिन रिपोर्टेड फॉर मेम्बर्स किस किस ऑर्डर के अंदर ये रिपोर्ट हो चुके हैं ऑर्डर किलियोप्ट्रा के अंदर ऑर्डर डिक्टोप्ट्रा के अंदर ऑर्डर हेमप्ट्रा के अंदर ऑर्डर होमोप्ट्रा के अंदर ऑर्थोपटिरा के अंदर एंड दे हैव बिन आइडेंटिफाइड इन

प्रीडेटर्स एंड ओवरकमिंग द होस्ट रिजिस्टेंस बाय मास अटैक फिर फिरमोन्स ये वाले एग्रीगेशन फिरोमोन्स जो हैं ग्रुप ऑफ इंडिजुअल्स ग्रुप ऑफ इंडिजुअल्स कब कहेंगे वैन दे आर मोर देन इन द फॉर्म ऑफ ए पेयर एट वन लोकेशन मे बी एग्रीगेटेड वेदर दे आर कंप्राइजिंग ऑफ वन सेक्स आर दे मे बी कंप्राइजिंग ऑफ बोथ सेक्सेस दिस इज़ द एग्रीशन बिहेवियर अब एग्रीशन बिहेवियर दिस इज नॉर्मली नोटेड इन दोज इंसेक्ट्स विच आर यूजिंग प्लांट्स एज अ होस्ट और ये प्लान्टस्ट के ऊपर जब नॉर्मली रहेंगे तो ये उनके लीव्स से शक करती हैं और मोस्टली दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेस् ज़्यादातर क्रॉप प्लांट्स के ऊपर या फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर जब ये एज आ होस्ट रहेंगे तो इनको एक इंसेक्ट आएगा वन एवर ही शी फील्स के वहाँ पर इनको फूड मिल रहा है एंड दे कैन लिव इन अ नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन तो दे प्रोड्यूस फिरोमोन्स विच आर कॉल्ड एग्रीगेशन फिरोम और यहाँ पर फिर ये एग्रीशन का बिहेवियर शो करेंगे दे विल अट्रैक्ट द अदर मेम्बर्स और other members जो अदर मेंबर्स जो हैं दे कैन बी मेल दे कैन बी फीमेल और बोथ सेक्सेस जो हैं दे आर अट्रैक्टेड, एंड नाउ दे आर शोइंग द एग्रीगेशन बिहेवियर ऑन द होस्ट प्लांट। अब ये इनकी एग्रीगेशन बिहेवियर में इस शक्ल में भी रह सकते हैं एंड दे कैन आल्सो लिव इन दिस शेप आल्सो, बट इन बोथ वे दे आर एग्रीगेटेड और दे आर शोइंग दे आर बिहेवियर ऑन द होस प्लान्टो ये एग्रीशन बिहेवियर जो है इंसेक्ट के लिए बेनिफिशियल है बिकॉज दे गेट देअर फूड दे गेट देअर स्पेस टू लिव बट इट इज़ नाट हेल्पफुल फॉर द होस प्लान्ट और इसी को फिर किल करने के लिए नॉर्मली इंसेक्टीसाइड या पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है एंड दैट स्प्रे इज़ आल्सो हेल्पफुल इन देयर एग्रीशन बिहेवियर they are combined or collected it's easy to spray onto that place or onto that plant so aggregation behavior is another form of important behavior that we are discussing in class insects